हाँ, पहले वीडियो में हमने टीचर्स और स्टाफ के लिए देखा था कैसे सैनिटाइज करना है, अभी इसमें जब स्टूडेंट आते हैं स्कूल में तो उनको कैसे सैनिटाइज करना है। अभी देखिए, पहले हमने छोटी स्प्रे बोतल से गेट सैनिटाइज कर लिया है, उसके बाद में स्टूडेंट जब अंदर आएंगे तो उनको आने के बाद में उनके जो शूज रहेंगे उनको हैंड सैनिटाइजर से या सोडियम हाइपो से उनको सैनिटाइज किया जाएगा। ओके, उसके बाद में यहाँ पे हमने एक स्टैंड लगाया हुआ है जिससे वो अपने हैंड सैनिटाइज करेंगे। देखिए, अब मैं आपको इस सैनिटाइजर स्टैंड की बताता हूँ। स्टैंड पे हमने ये यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, जिसपे की इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी कि किस तरह से हमको हैंड सैनिटाइज करना है। इसके अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि ऑटोमेटिक डिस्पेंसर है, वहां से भी स्टूडेंट अपने हैंड सैनिटाइज कर सकता है। इसमें हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है, सेंसर बेस्ड है और एक बार में ये लगभग 600 से 700 स्टूडेंट के हैंड सैनिटाइज कर सकता है। बच्चे को क्लासरूम में जाने से पहले हमारे पास ये 20 लीटर की सैनिटाइजेशन बोतल है, सारी की सारी क्लासों को सैनिटाइज करके रखा है। उसके बाद में बच्चा क्लास में जाएगा ताकि वो सेफ रहेगा, और उसके बाद में फिर वापस से जब भी छुट्टी होगी उसके बाद में फिर हमको इस मशीन से क्लासरूम को सैनिटाइज करना है। मैं एक बार फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे हमने कौन कौन सी चीज काम ली है। सबसे पहले हमने गेट सैनिटाइज करने के लिए ये छोटी बोतल काम ली। इस छोटी बोतल से हमने गेट सैनिटाइज किया, इस तरह से इसको गेट पर स्प्रे किया। उसके बाद में अंदर आते ही ये हमारा स्टैंड है, स्टैंड से हैंड सैनिटाइज किए। इसके बाद में ये ऑटोमेटिक डिस्पेंसर है जिससे हमने हैंड सैनिटाइज किए। उसके बाद में ये टेम्परेचर गन है जिसे हमने टेम्परेचर को मेजर किया। उसके बाद में ये हमारे पास में सैनिटाइजर है जिससे हमने चेयर को सैनिटाइज किया, और ये हमारा मिनी सैनिटाइजर है जिससे हमने नोटों को सैनिटाइजर किया। इसके बाद में ये हमारा गार्ड है, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, स्नीजिंग गार्ड है जो कि टेबल पे रखा हुआ है, रिसेप्शन पे रख सकते हैं इसको। इस तरह से हमने पूरा के पूरा ऑफिस सैनिटाइज किया। उससे पहले स्कूल खुलने के जस्ट एक दिन पहले हम लोगों ने ये 5 लीटर का जो सैनिटाइज कैन है, इस सैनिटाइज कैन से जो है हमने अपने ऑफिस को सैनिटाइज किया है।